दूसरा हिस्सा दो। रियासत जो कुछ कहती है वो सब झूठ है और उसके पास जो कुछ है वो चोरी कर लिया है। मुझे नफरत है जो मेरी तन्हाई चोरी करता है, बगैर किसी तबादले की कंपनी में मुझे पेश किए बगैर। मोहब्बत में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन जुनून में हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। जब एक औरत इल्मी रुझान रखती है तो आमतौर पर उसकी जिंसियत में कुछ गलत होता है। इंसान में अजमत का मेरा फार्मूला उमूर फतवा है कि इंसान कुछ भी मुख्तलिफ नहीं होना चाहता, आगे नहीं, पीछे नहीं, हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ जो जरूरी है इसे बर्दाश्त न करें, फिर भी कम छुपाएं। ये सब आइडियलिज्म है, जो जरूरी है इसके मुकाबला में बदकारी है, लेकिन इससे मोहब्बत करो। जो अपनी इताअत नहीं कर सकता उसे हुक्म दिया जाएगा, ये जानदारों की फितरत है। बांटी हुई खुशियां दोस्त बनाती हैं, दुखों को नहीं। मोहब्बत का सबसे बड़ा इलाज अब भी है, इस वक्त की इज्जत की दवा मोहब्बत लूट आई। अफराद में पागलपन एक नायाब चीज है, लेकिन ग्रोहों, जमातों, कौमों और उहदों में ये उसूल है। गैर मरी धागे सबसे मजबूत रिश्ते हैं। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इस वजह से वो औरत को सबसे खतरनाक खेल के तौर पर चाहता है। हम अपने रोजमर्रा के काम में अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी से ज्यादा मेहनत और सोच समझकर मेहनत करते हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि रुकने और सोचने की फुर्सत ना हो। जल्दबाजी आलमगीर है, क्योंकि हर कोई अपने आप से भाग रहा है। हर गहरा सोचने वाला गलत फहमी से ज्यादा समझे जाने से डरता है। आपके पास अपना रास्ता है, मेरे पास अपना रास्ता है। जहां तक सही रास्ता, सही तरीका और वाहिद रास्ता है, इसका कोई वजूद नहीं है। राकेशों से लड़ते वक्त होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम एक हो जाओ। तमाम खूबसूरत फिन, तमाम अजीम फिन का निचोड़ शुक्र है। अगर कोई नाकाबिल बर्दाश्त दबाव से छुटकारा चाहता है तो वो चर्स खाता है। जो कुछ नहीं दे सकता वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। रातों जब आप किसी पाताल में देखते हैं तो पाताल भी आपको देखता है। तन्हाई में तन्हा खुद को खा जाता है। एक हुजूम में बहुत से लोग उसे खाते हैं। अब इंतखाब करें बेहतरीन और सबसे ज्यादा कारामद इंसानों और कौमों की जिंदगी का जायजा लें और अपने अब से पूछें कि क्या वो दरख्त जो आसमान की तरफ फखर से उगना है खराब मौसम और तूफानों से बचा सकता है। बदबख्ती और मुखालफत हो या हर किस्म की नफरत, हसद, जिद, बदएतमादी, सख्ती, लालच और तशद्दुद उन साजगार हालात से ताल्लुक नहीं रखते जिसके बगैर नेकी की भी बड़ी तरक्की मुमकिन नहीं। ईसाइत में किया बुराई है कि ये वो तमाम काम करने से गुरेज करता है जिनका मसीह ने हुक्म दिया था। आज कायदा ये है कि कलम, सियाही और लिखने की मेज किताब मांगती है। मोहब्बत अंधी होती है, दोस्ती आंखें बंद कर लेती है। सितारों का मलबा, मैंने इस मलबे से एक दुनिया बनाई। एक सोच, हता के एक इम्कान भी हमें तोड़कर बदल सकता है। फलसफियों और अखलाकियात के माहिरीन का ये तसव्वुर करना खुद फरेबी है कि वो इसकी मुखालफत करके जवाल से बच जाते हैं। ये इनकी मर्जी से बाहर है, और चाहे वो इसे कम ही तस्लीम करते हैं, बाद में एक को पता चलता है कि वो इन्हेताद के सबसे ताकतवर फरोग देने वालों में से थे।
इंतकाम और मोहब्बत में औरत मर्द से ज्यादा वहशी होती है। अब जानते हैं कि एक लम्हा अहम होता है जब वो आपके जहन को खूबसूरती से बेचैन कर रहा। शादी करते वक्त अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या आपको यकीन है कि आप अपने बुढ़ापे में इस शख्स से अच्छी तरह बातचीत कर सकेंगे। शादी में बाकी सब कुछ आरजी होता है। किसी को नाराज न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, यकसा तौर पर एक बेचैन मिजाज की अलामत हो सकती है।